पद्धतीनं कधी कधी काय असते ना, मार्ग चुकते माणसाचा, मार्ग चुकते. सल्लागार म्हणतो ना आपण जीवनामध्ये, हा खूपच महत्त्वाचा आहे. आपण कोणत्या व्यक्तीकडून सल्ला घेतो ते खूपच महत्त्वाचं आहे. स्टेटस म्हणून जर तुम्ही फक्त येत असाल इथे क्लासमध्ये, मी कॉम्पिटेटिव्ह करतो, एमपीएससी करतो, तर भूल जाओ, नहीं हो पाएगा. और संभव ही नहीं है कि तुम वहां तक पहुंच पाओगे. अगर तुम्हारा कमिटमेंट अगर बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छे लेवल का है, तो भाई तुम पहुंच सकते हो. अन्यथा पॉसिबल नहीं है कि तुम वहां तक पहुंच पाओगे. बहुत से लोगों का यही होता है, वो सोचते हैं लेकिन फिर छोड़ देते, जाना देना क्या करना है. बाद में उनको पता चलता है कि भाई हमने लाइफ में क्या खोया. समय बड़ा बलवान है, तुमको अभी भी सब कुछ दे सकता है और तुमसे ले भी सकता है. वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको क्या करना है, तुम अपने समय का इस्तेमाल किस तरीके से करते हो, ये सब तुम पर निर्भर है. राइट? कोई तुम्हें थोड़ी ना बोलेगा कि भाई तुम अपना टाइम वेस्ट करो, रील्स देखो, मूवी देखो, पार्टीज करो, दोस्तों के साथ घूमो, थोड़ी ना बोलेंगे. अगर तुम तुम्हारे लाइफ को लेकर सीरियस हो तो तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, तुम तुम्हारा समय अच्छे व्यतीत करोगे, जबकि तुमको ये सब करना भी चाहिए. उससे जो भी लाभ होगा, उससे जो भी हानि होगी, वो आपको ही होंगी. तुम पार्टीज कर रहे हो तो इसका लाभ थोड़ी ना होगा दूसरे वाले को, वो पढ़ाई कर रहा है उसका लाभ तुम्हें थोड़ी ना होगा. तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, लॉस तुम्हारा हो रहा है. तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लॉस तुम्हारा हो रहा है. राइट? आगे वाला बंदा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको जॉब मिल रही है, उसका लाभ थोड़ी ना तुमको होगा. वो थोड़ी ना तुमको लाके देगा, भाई ठीक है तू भी मेरे साथ था, तुम्हारा नहीं हो तो मैं आधी सैलरी तुमको हर साल की, हर महीने की तुमको दूंगा. ऐसा होगा क्या? होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा. तभी मेरा कहना है, क्या कहना है, कि भाई तुम तुम्हारा समय किस चीज पर खर्च करते हो, मतलब आप अपना समय कहाँ पे खर्च करते हो, ये सब चीजें आपके ऊपर निर्भर है. उससे होने वाला लाभ या हानि ये भी आपको ही होने वाली है, किसी और को नहीं. इसलिए आप खुद डिसाइड करो कि आपका समय मूल्यवान है, आपको कहाँ पे खर्च करना है, आपके भविष्य के लिए खर्च करना है या उसके खराबी के लिए खर्च करना है. ज्यादातर तो लोग यही करते हैं, भाई 100 रुपये खर्चा करने के लिए हम कितना सोचते हैं, खर्च करूं या नहीं करूं. उससे कहीं मूल्यवान समय है. समय खर्च करते समय हम सोचते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं सोचते. सबका बैंक अकाउंट है, राइट? बैंक अकाउंट में पैसा जमा होने के बाद हम क्या सोचते हैं? हाँ, अभी उसका थोड़ा सा अच्छे से इस्तेमाल करेंगे. सबका समय का भी एक खाता है. तुम्हारा टाइम डिसाइड किया हुआ है कि तुमको इस पृथ्वी पर कितने समय तक रहना है, वो ऊपर वाले ने सब कुछ डिसाइड करके रख दिया है. ऊपर वाले ने तुम्हारा समय का एक खाता खोल के रखा है कि भाई ये व्यक्ति के, ये इंसान के खाते में इतना समय जाएगा. वो समय आपको कहाँ पे खर्च करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. हर दिन आपके खाते में 24 घंटा आता है. कितना घंटा आता है? 24 घंटा. 24 घंटों में से आप कितना समय का अच्छे से यूटिलाइज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि पैसे तुम्हारे खाते में आते हैं, उसका आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो, वैसे ही समय का भी एक खाता है सबका. समय के खाते में भी हर दिन 24 घंटा आता है. वो 24 घंटे का इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हो ये आपके ऊपर निर्भर है. और उससे होने वाली जो हानि है, उससे होने वाला जो लाभ है, वो भी अच्छे ही होगा, हानि ही होंगी. अगर पैसा आपने पार्टी करना वेस्ट कर दिया, कहीं भी वेस्ट कर दिया, जिससे कोई भी आय होने वाली नहीं है, तो उसका क्या मतलब रहेगा? समय का भी बिल्कुल सेम वही है. समय का भी अगर उसका अच्छे से उपयोग नहीं किया गया तो उसका कोई लाभ नहीं होगा. पैसे का भी कोई लाभ नहीं हुआ है. पैसा कब भी, पैसे के लिए हम क्या सोचते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट हो और उससे वापस से हमको पैसा मिले, एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिले. समय से भी हम यही लेते हैं ना, बराबर. एक किस्सा मैं सुनाता हूँ अपने लाइफ का. मैं जब नागपुर में पढ़ता था, हम हमेशा बोलते हैं टाइम इज मनी बोलते हैं. ये चीज मेरे को उस समय क्लिक हुआ. किस समय क्लिक हुआ? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हमारी जो आंटी थी टिफिन वाली, हमको टिफिन 1500 में मिलता था. कितने में? 1500 में. हम वहां पे जाके खाना खाते थे, लेकिन जो अंकल टिफिन घर घर पहुंचाते थे तो उनको 1800 में मिलता था.
कितने रुपए में मिलता था? 1800 रुपए में मिलता था, राइट? हमको मिलता था 1500 रुपए में, हम मेस में जाके खाना खाते थे। जो लोग रूम में खाना खाते थे उनको टिफिन मिलता था 1800, कुल 300 रुपए ज्यादा मिलते थे, राइट? 2010-12 के आसपास की बात है, उस समय मैं नागपुर में पढ़ाई करता था। हमारा जो टिफिन है, हमारा जो खाना है, हमको 9 बजे के बाद मिलता था। कितने बजे के बाद? 9 बजे के बाद मिलता था। और जो 1800 रुपए देकर टिफिन बुलाते थे उनका 7 बजे मिलता था। जिन लोगों ने ज्यादा पैसा खर्च किया है उन लोगों का समय बच गया, जिन लोगों ने पैसा कम खर्च किया है लेकिन उनका समय ज्यादा खर्चा हो गया, राइट? अभी भी हम यहां से गोवा जाए या मुंबई जाए तो कितना समय लगेगा ट्रेन से? 22 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, 20 घंटे के आसपास तो लगेगा ही। टिकट कितना रहेगा? 1000 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए। लेकिन फ्लाइट से अगर जाते हैं हम तो मतलब जैसे कि हमारा किसी भी चीज की वैल्यू, किसी भी चीज का मूल्य अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो उसका समय का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, मतलब समय बच जाएगा। वैल्यू मतलब मूल्य जो है वो बढ़ जाएगा लेकिन समय जो है बच जाएगा, राइट? 1000 रुपए देकर हम 22 घंटे खर्चा करें या 5000 देकर अपने 20 घंटे बचाए, ये कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे। तो मैंने उस समय सीखा कि भाई टाइम इज मनी भाई। हम 1800 रुपए खर्च करके अपना समय बचा सकते थे या फिर 1500 रुपए में 300 रुपए बचा के समय खर्च कर सकते थे। तब मैंने सीखा, वो तभी मेरे दिमाग में ये संकल्पना आई कि भाई टाइम इज मनी, इसीलिए कहते हैं। अरे लक्षा अब ये कॉमन हो गया, सब समझ में आ जाएगा भाई। एरोप्लेन की टिकट अगर हम खरीदते हैं तो पैसे जाएंगे, टाइम बच जाएगा, टाइम इज मनी, ओके? तो मेरा यही कहना है सबसे, क्या कहना है कि 24 घंटे में आपके समय के खाते में जो समय आपको मिलता है उसका अच्छे से यूटिलाइज करो और अपने भविष्य के लिए उसको क्या करो, खर्च करो, एक अच्छे भविष्य के लिए उसको खर्च करो, राइट? मतलब तो सूरजला हे सांगत होतो की अजूनही वेळ गेलेली नाही। हे कोणत्या वर्गात आहेत? 10व्या वर्गात, म्हणजे 10व्या वर्गामध्ये असताना त्यांनी डिसाइड केलं आम्हाला काय बनायचं आहे, सरकारी नोकरीमध्ये जायचं आहे, अधिकारी बनायचं आहे। 10व्या वर्गात त्यांनी डिसाइड केलं। आम्ही कधी डिसाइड करतो? ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर डिसाइड करतो की आम्हाला आता। अरे असे बरेच लोक आहेत की ग्रॅज्युएट झाल्यानंतरही त्यांना माहिती नाही की आम्हाला काय करायचं आहे। मग म्हणून आधीच तुम्हाला काय करायचं हे डिसाइड केलं की बरोबर तुम्ही मार्गावर जाता, बरोबर आहे की नाही? आपण ठरवलंच नाही कुठं जायचं आहे, चालत आहो, पोहोचणार का? तुमचं घरच नसतं, तुमचं गावच नसतं तर तुम्ही कुठं राहिले असते, तुम्ही कुठं गेले असते? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका घर नहीं है, मतलब जो वास्तविक ठिकाना है उनका हमेशा का वो है ही नहीं, उनका बसेरा कहीं भी होता है। आज रेलवे स्टेशन पे होगा, कल बस स्टॉप पे होगा, उसके बाद फुटपाथ पे होगा, मतलब कहीं भी उनका जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है उनका कि हमको जीवन में कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, खुद के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए अच्छा करना है। अगर ये सोच अगर आप में विकसित होती है, राइट, ये सोच अगर खुद के लिए आप विकसित करते हो कि भाई हमको आगे चल के ये सब चीजें करनी है, तो आप पहुंच जाओगे, अन्यथा उन सभी व्यक्तियों की तरह भटकते रहोगे जिन्होंने कभी अपना लक्ष्य तय नहीं किया और वो पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए लक्ष्य का तय होना, वो भी निश्चित लक्ष्य, ये नहीं कि मैंने आज ये वीडियो देखा तो मेरे को लगा कि अब हाँ अब ये करना चाहिए, कल मैंने किसी एमएलए का, किसी आमदार इंसान का क्या स्पीच सुना, हाँ अभी मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए। कोई एक्ट्रेस आई, अरे बाप क्या जबरदस्त डांस करती है, मस्त, फिर
यही काम है। गौतमी पाटिल, तो शुरुआती से निश्चित होना ये भी बहुत जरूरी है। अभी वो बैठे हैं, अभी उनको सही दिशा मिल रही। दसवीं कक्षा से अगर व्यक्ति एक अच्छी दिशा में जा रहा है तो भविष्य में सफल होने की संभावनाएं ज्यादा है, बराबर। अगर दसवीं कक्षा में उसने डिसाइड किया कि भाई मेरे को कॉम्पिटिटिव करना है, आगे चल के प्रशासन में मेरे को आना है, समाज के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, अगर वो बंदे ने अभी डिसाइड किया तो वो आगे तक चलेगा, चला जाएगा और पहुंच भी जाएगा। लेकिन अगर उसने डिसाइड ही नहीं किया तो वो क्या पहुंचेगा। तो सबसे पहले बात निश्चित करना बहुत जरूरी है। ओके।